नमस्कार, इस बेहद खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ किरण चोपड़ा और आज इस स्पेशल शो में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं वो क्रिकेटर जिन्हें कहा जाता है कि वो प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट है और जो 24 साल की उम्र में एक हार्ट थ्रॉप बन गए हैं, एक बहुत बड़े खिलाड़ी है टीम इंडिया के लिए। और अब जबकि आईपीएल चल रहा है तो गुजरात टाइटन्स के कप्तान भी है। जी हाँ, शुभमन गिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बेहद खास इंटरव्यू के लिए। शुभमन, जिस तरीके से हमने देखा है गुजरात टाइटन्स जो कि एक बार की चैंपियन रही, पिछली बार की डिफेंडिंग चैंपियन रही, लेकिन इस बार की बात करें तो 9 मैच में से 4 ही उन्होंने जीते हैं, तो क्या लग रहा है, क्या गड़बड़ हो गई? और जिस तरह पिछले मैच की बात की जाए, काफी एक्सपेंसिव रहे और बड़ा हाई स्कोरिंग मैच था। मोहित शर्मा के तो एक ओवर में 31 रन तक पड़ गए थे। आई थिंक हमारे टीम के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड बोलर्स हैं, तो उनको मुझे मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। वो ऑलरेडी बहुत, अगर आप इस एज में जैसी उनकी परफॉर्मेंस रही हमारे लिए पिछले 2 साल में, अगर इस एज में आकर उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दी है, तो मोटिवेशन मुझे उनको देने की कोई जरूरत नहीं है। हर प्लेयर का बुरा दिन आता है, तो उसमें इट वॉज मेरे लिए कोई वो चिंता की बात नहीं थी कि उन्होंने इतने उनको इतने रन पड़े। और इतने बड़े चेज में मानसिकता है, जब आप 225 रन चेस कर रहे होते हैं तो कोई मानसिकता का मतलब एक ही तरीके के लिए सोचते हो आप। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसे वक्त में क्या आप मोहम्मद शमी को मिस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़े रोल प्ले करते थे वो गुजरात टाइटंस की टीम में? शमी भाई जैसे प्लेयर हैं तो उनके कैलिबर के प्लेयर को ऑब्वियसली मिस कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेट है कि उनको इंजरी हुई। बिल्कुल, हमने देखा था शुभमन की जिस तरीके से टीम का पूरा माहौल रहता था गुजरात टाइटंस का, काफ़ी एनर्जेटिक रहते थे और उसमें बड़ा रोल जो है आशीष नेहरा भी प्ले करते थे। इस सीजन में कहीं ना कहीं डगआउट से वो गायब दिख रहे हैं, क्या वजह आपको लगती है इसकी? वो डगआउट के पास ही होते हैं, हो सकता है इस साल जो वो उनको कम बोलने की जरूरत पड़ रही हो, जो वो चाह रहे हो ऑलरेडी हो रहा हो। शुभमन कह रहे हैं जो चाहते हैं हो रहा है, यानी अब कह रहे हैं कि इस बार जो है बिन मुंह मांगी मुरादें पूरी हो जा रही हैं आशीष नेहरा की। एक और चीज़ पे मैं आप बात करूंगी कि बहुत बातें हो रही हैं इंपैक्ट प्लेयर का जो रूल है, रोहित शर्मा ने भी कहा, आपका इस पर क्या विचार है, कितने आप इसके फेवर में हैं या आप इसके अगेंस्ट हैं? इंपैक्ट प्लेयर का रूल आई थिंक जब तक इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं आता है, तो आईपीएल में इंटरेस्टिंग है काफी, बट आई डोंट नो इफ इट्स बेनिफिशियल। इट्स इंटरेस्टिंग बट आई डोंट नो इफ इट्स बेनिफिशियल। चलिए, और बात अब सिलेक्शन की कर लेते हैं। बस कुछ ही दिन का वक्त रह गया है जब वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का अनाउंसमेंट होने वाला है। सबके दिल की धड़कनें बड़ी हैं, हर कोई ये गेस कर रहा है कि कौन सी टीम होगी। और आपके दिल में क्या चल रहा है, क्योंकि वर्ल्ड कप पास है और अब टीम का सिलेक्शन होने वाला है, एक बड़ा मुकाबला है ओपनिंग स्लॉट के लिए आप में और यशस्वी जायसवाल ने, आप किस तरीके से अपने आप को बैक करते हैं, आपको लगता है कि किस तरह आप अपने आप को बैक कर रहे हैं? Definitely, I think I back myself to be able to make the squad. You know, if after scoring 900 runs last season, if I don't back myself, then I don't think there would be any point scoring all those runs. But yeah, it is like any player's dream. It is my dream to be able to, you know, represent my country. बिल्कुल, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आपका ये सपना पूरा हो और वो सपना भी पूरा हो जो देशवासी देख रहे हैं 2011 के वर्ल्ड कप के बाद से, जब हमारे पास वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नहीं आई है। बेहद करीब थे हम पिछले वर्ल्ड कप में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं, इसलिए अब उम्मीदें यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में होने वाले वर्ल्ड कप से जुड़ी है। और हम भी उम्मीद करते हैं शुभमन कि आप भी स्क्वाड में हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए और इस तरीके का समय निकालने के लिए, और गुजरात टाइटन्स के लिए भी मैं आपको कहना चाहूँगी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। Z News.